छोड़ें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो। मुझे आइडिया नहीं था कि बांग्लादेश की पब्लिक इंडिया को लेके ये सोच या ये फीलिंग्स रखती हैं कि हारने की वो दुआ कर रहे थे या ये चाह रहे थे हारे, जो कि हमने सोशल मीडिया पे देखा। यही रात देखने के लिए आंखें तरस जाती है। इंडिया की इतनी बड़ी जीत है कि पूरी दुनिया में उनकी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। खासकर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में जो है दिवाली का समा है, वहाँ पे होली खेली जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। वो इंडियन प्लेयर पाकिस्तान से जलते हैं, डरते हैं। अच्छा। ये खड़े हो गए तो ये हमारा नाम नहीं रहेगा और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। हमको टोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग है हमको ट्रोल करता है, कोई चूतिया सा उन लोगों को तो नहीं ट्रोल करता है। आते किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। भाई थोड़ा सा आप जो है दुनिया के साथ रहना सीखो। उस नक्श और कदम पे जा रहा है बांग्लादेश जिस पे पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका है। सोशल मीडिया पे वो कैच का वो चल रहा है कि वो पैर लग गया था बाउंड्री को, ठीक है, वो आउट था, उन पैरों ने आंखें बंद कर ली हैं। यार प्लीज यार, क्यों अपना मजाक उड़वाते हो यार? तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से? मुझे ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश के प्लेयर्स और इनके फैंस के दिलों में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के लिए आखिर ऐसा क्या है कि भाई इनको इतना गुस्सा आता है? क्योंकि मैं अब से पहले तक ये समझता था कि यार इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत बेहतर हैं, क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आए दिन इंडिया का विजिट करती हैं, आपस में बहुत से प्रोजेक्ट उनके देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से फाइनल वाले दिन बांग्लादेश के लोग ये ख्वाहिश कर रहे थे कि इंडिया हार जाए, और वो सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुई है कि क्या वजह है, इंडिया बांग्लादेश की मुख्तलिफ चीजों में हेल्प भी करता है, इंडिया बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है, इंडिया बांग्लादेश में ग्रीन बांग्लादेश का प्रोजेक्ट भी लेकर जाने वाला है, ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि बांग्लादेश के लोग नफरत या इस तरीके से अपना एक रिएक्शन उन्होंने दिया? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो फाइनल हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया का, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका को। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? साउथ अफ्रीका। वजह क्या है साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने की? टीम बहुत अच्छी है, इंडिया से बहुत आगे है वो टीम, बहुत बहुत बड़ी टीम। अच्छा, इंडिया से की बेहतरीन टीमों में वो टीम है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई? कोई उनके साथ हर दफा मुश्किल होती है, जब भी उठा के देख ले क्रिकेट, कोई भी टूर्नामेंट में उनके साथ बारिश ने अटैच किया, अंपायरों ने बेईमानी की। अच्छा। ये लास्ट मैच जो है ये फाइनल, फाइनल में लाइन पे नहीं था उसका पांव। नहीं देखें मेरी बात सुने, एक मिनट नहीं, ये मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि भाई बाउंड्री को पांव टच हो गया था सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ते हुए। इवन साउथ अफ्रीका से कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ऐसी वीडियो बनाई थी। बट मैं अंकल जी मुझे ये बताएं, वहां पे इतने अंपायर हैं, इतने कैमरे लगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने कैमरों के बाद? इंडिया अनुवाल है, अनुवाल है आईसीसी में, वो अनुवाल है उसे टीम, उन्होंने जिताना जिताना जो मर्जी कर लो। अच्छा, इंडिया आईसीसी में इन्वॉल्व है इसलिए जिताना था। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्रिकेट को तीन बंदों ने तबाह किया। किन किन ने? सबसे पहले जुआरिया। अच्छा, उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया। अच्छा। पहले पीटीवी था, कुछ भी नहीं था, अब हर तीसरा बंदा उठ के, अच्छा इन्होंने ये किया, जीत गए हम, जब हारते हैं उनकी, ठीक है। तीसरा किसने? तीसरा वो जो पाना सीते वाले दुकान पे बाबा नहीं धोती पहन के देखता। अच्छा। उतर की हो रहा है जी, मैच लगा है। अच्छा, छिका मारा बाबा। अब वही बंदा 110 पे आउट हो रहा है तो वही बाबा गालियां दाग है गई मैं। अच्छा, ये चीज है। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में अक्सर जैसे अभी मैंने आपसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, भाई थोड़ा आगे आ जाए, इन सब भाइयों से भी पूछा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब ने ये कहा जी साउथ अफ्रीका को कर रहे थे, इंडिया को क्यों नहीं थे कर रहे? पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ और हमें बांग्लादेश से भी ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो देखने को मिली कि लोग जो उनसे ये दुआ कर रहे थे कि इंडिया हार जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए। क्या वजह है? नेबर कंट्री हमारा जो सा इंडिया है, हम दुआ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, हमारी लगती है इसीलिए दुआ कर रहे हैं लोग, और क्या है? आप जब लगाएं क्रिकेट के मामले में लगती है उनके साथ, इंडिया के साथ। हाँ बिल्कुल, वैसे आना जाना तो है ही है, ठीक है। सिख, वो सिख बरादरी नहीं आती, दूसरे हिंदू बरादरी नहीं आती, पाकिस्तान नहीं जाता वहाँ पे, सब कुछ। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में तो सुना था उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, हमारी तो चलो लगती है, ठीक है। वो भी खुश हो रहे थे कि मतलब चाह रहे थे कि इंडिया हार जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए, सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हुई है। भी लगती है जैसे हमारी अफगानिस्तान के साथ भी तो लगती है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो उनको करेंगे, क्या वजह? उनको सपोर्ट आती है, इंडिया की सपोर्ट आती है तो वो करते हैं। अच्छा, इंडिया से मतलब हेल्प आती है? बिल्कुल आती। लेकिन बांग्लादेश, अगर देखे मेरी बात, क्रिकेट को अरूज किसने दिलाया? किसने? अफगानिस्तान को। किसने? पाकिस्तान ने।
हाँ ये कहा जाता है कि कहा नहीं जाता। जमामू लग साहब जिनको हाजी नहीं, हाजी लोग नहीं कहते उनको हाजी कहना चाहिए। वो वहाँ जाके वन ईयर रहे हैं, मुसलसल उनको क्रिकेट सिखाई, सारा कुछ किया, ये नहीं है। अच्छा भाई थोड़ा सा आप जो है दुनिया के साथ रहना सीखो। उस नक्श और कदम पे जा रहा है बांग्लादेश जिस पे पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका है, जिस ट्रैक पे पाकिस्तान जा रहा था आज उसकी टीम खत्म हो चुकी है, वही ट्रैक बांग्लादेश पकड़ा हुआ है। भाई इस ट्रैक से उतर जाओ। तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश के प्लेयर्स और इनके फैंस के दिलों में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के लिए आखिर ऐसा क्या है कि भाई इनको इतना गुस्सा आता है जब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ सामना होता है या फिर जब अफगानिस्तान या हिंदुस्तान जीतता है। क्या है आपके दिलों में, कौन सी इतनी वारे हुई है हमारे और आपके बीच में? आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं? हिंदुस्तान ने तो आपकी मदद की है, लाखों बार मदद की है। अगर आप पाकिस्तान के कहने पर यह सब कुछ कर रहे हो तो इसमें आपको 100 में से 0 मिलेगा, हमारी तरफ से नहीं दुनिया की तरफ से आपको मिलेगा। आप किसी के कहने पर किसी बड़े बड़े देशों के साथ आप दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। हमारी तो पाकिस्तान से दुश्मनी है, हिंदुस्तान की भी दुश्मनी है। हम तीन आपस में लड़े कूदे मुक्के लाते जूते मारे वो अलग बात है, भाई आपका कोई जगह नहीं बनता यहाँ इस बीच में घुसने का। और चलो मान लेते हैं आपकी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती, बड़ी होती, इतनी ट्रॉफियाँ, इतने कप आपने जीते होते, इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइन अप होती, गजब की बॉलिंग होती, तो बंदा बोल लेता कि यार ये बड़ी टीम है, ये कुछ भी बोले मानना पड़ेगा। भाई आपकी टीम हमारी टीम से भी बदतर टीम है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। और फिर आपके प्लेयर तो आईपीएल में भी खेलते हैं, आईपीएल हिंदुस्तान का नमक का के, फिर हिंदुस्तान के आगे फिर वो दिखाना विराट कोहली के आगे, या फिर विराट कोहली एक लेजेंड प्लेयर है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको मानो। राशिद खान को दुनिया में बेस्ट बॉलर कहा जाता है, क्या स्पिनर का बादशाह है ये, लेकिन जब वो विराट कोहली की विकेट लेता है तो वो भी हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि यार ये बहुत बड़ी विकेट है, मैंने ये विकेट ली है। उसको पता है कि ये लेजेंड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, किंग ऑफ द क्रिकेट है ये बंदा। तो फिर भाई इतना दिल में बेकार के एक्शन और रिएक्शन, बेकार के चेहरे को जो है सड़ा हुआ खरबूजा बना के दुनिया के आगे पेश करना, मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी बात है। और बांग्लादेश वालों इससे तुम लोग बहुत बुरे दिखोगे, यकीन करो बहुत बुरे दिखोगे। पाकिस्तान का साथ छोड़ दो, अपने मैच पे फोकस करो, अपने फैंस को कंट्रोल करो, अपने जज्बात को कंट्रोल करो। यार हार जीत होती रहती है, पड़ोसी आपका यार जीता है तो उसको मुबारकबाद दे, और वो क्या कहते हैं, कॉपी इज बेटर देन जेलेसी। तो भाई खुद को इंडिया के स्टैंडर्ड पे अपनी क्रिकेट को लेकर जाएं।